लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपको आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे आप जल्द बुलाए और अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है, बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहां जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो संविधान आजादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश को, देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का, ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 75 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टेस्ट करना,
कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं, उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर सर ये संविधान सभा ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी, उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी, वहां की भैंसों बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे विजिटर्स यानी इस मौके पे। सभापति जी आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था, यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी ये आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी इससे यह अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सर आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है, इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं इधर ये टेक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है साहब। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर आपको आप याद दिला रहे थे जरा। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था, बुनियाद रखना, और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वो ही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो दो चार अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माने खड़गे जी मैं हाल में भारत मंडपम गया था, हाँ देखिए भी देखी और ऊपर भी देखा, यही मैं बोल रहा हूँ आप बहुत से लेकिन देखते हैं। दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा सर बोलने आश्चर्यचकित हो गया सर, बोलने दीजिए, उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसी लिए साहब इतने इतने बिल्डिंग्स आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे और हमारी पार्लियामेंट बनी पहले की पार्लियामेंट है नहीं है और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था, स्वतंत्रता समानता न्याय मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे।
इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के इस एक्ट के तहत, हाँ, जो टैक्स देते हैं जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग की एक वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते हैं, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना, इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है, इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया उसको क्या करते हैं, छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी इंडी बोलते हैं, ठीक है, उसी लिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इंडी बोलो, इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलुरु गए। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मौसुदा मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता, एक एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति, सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया, और इसी के कारण
कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है बहुत लोगों को मालूम नहीं। चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। एक खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे, 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे, 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे, उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अंबेडकर। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते, ये बार बार यही बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे सब मेंबर्स ने मिल, अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ, वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए हैं। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आप को और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है
70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ और कितने दिन बोलते बोलते जाए सर। तब वर्ल्ड वार टू में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाए, डेमोक्रेसी को टिकाए। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आजादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो जो आदर्श हमारे सामने हैं उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानून यहाँ बनी है। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, उनका मानना था कि संसद सभी तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि पहले कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया, जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी, बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के, विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है ये कब तक चली सर? ये परंपरा कब तक चली? नहीं, ये नहीं, देखिए जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला, जब झंडे अलग हो गए। लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ, जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूँ मैं आपसे, आओ मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग, ये छोड़ दीजिए। जो आदमी
14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के बड़े बड़े कारखाने बना के पब्लिक सेक्टर बना के नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर, दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन है? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा, नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है, थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के, बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी, अरे क्यों भाई आपका तारीफ किया मैं, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे, प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा, नेहरू जी के विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना, इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ जाना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया, तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की साहब, जरा आप, कोशिश तो मैंने की थी, नहीं आपने की थी, तो मेरी तरफ से थी सब, नहीं नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं नहीं आधी रात तक चर्चा हो,
सर नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर आप तो कोशिश किए लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते, ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं, तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं नहीं होने आपने नहीं होने। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो बात गई है और रात गई कुछ। सर नंबर में नहीं आते लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों गए? नहीं बोल आपने यहाँ पर कहा था। मैं नहीं बोला, माननीय खड़गे जी आपने इस सदन में कहा था नहीं, नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों जाते हैं? नहीं 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 साहब वो आने दो मेरे कान सुन से, मैं कुछ काम करके दिखा के कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है तो वो उनके कंट्रोल में है, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे, और आते जाते मैं समझता हूँ 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम हाँ 50 मेरे बाजू में है ना फिर तो ये ऐसा। और अच्छी बिल्डिंग है उन्होंने खुद देखे हैं देखकर। खैर जाने दो हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था लेकिन आ किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया, केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे है जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, दिग्विजय सिंह जी ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं वो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में राज्यसभा में,
साहब आई विल आस्क द सेक्रेटेरिएट नहीं हैव फुल अपडेट ऑन दिस एंड इन्फॉर्म लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं नहीं नेक्स्ट थ्री डेज आप अपने स्टाफ को पूछिए अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए बयान देना अलग है कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना वो अलग है तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी ये अलग अलग ओकेजन में दी ये बात मैं बोल रहा हूँ वो भाषण देते नहीं बोलते नहीं बाहर बहुत बोलते हैं इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको इतना बार बोलते हैं साहब वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते चर्चा नहीं करते सर हमने पहले 267 में 7 बार इसके इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई कितने सालों में देखिए देखो मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं आपके हाथ में जिन्होंने फिगर दिया है मैं उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है नहीं नहीं मैं डेट वाइज मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ फिगर दे दूंगा रेस्पेक्ट फॉर योर लीडर चुप बैठो भाई तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए सर पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो नहीं वो ऐसा बीच में बोल आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी आई बिकेम कानून बनाने के वे लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लाइन टू सी मी इन द चेंबर एट माई रिक्वेस्ट यस सर संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए इसको जरा ठीक करिए अब तो मेरा दिख रहा है बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं मुझे मालूम नहीं लेकिन वो बोल दीजिए कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता यहाँ तो चांस मिलता है तो जरा दिखाते दीजिए जनता के सवाल उठा सकते हैं अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे ऐसा उठते रहते हैं हम डांटते रहते हैं लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता भाई हमारी बात कोई रखे अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है और आप हमारे गार्डियन हैं और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं नहीं तो हम इतने कम लोग हैं उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा हमें रोना पड़ता तो इसीलिए
जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियाँ थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई, लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियाँ थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर, सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 146 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता बड़े बड़े, वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं, इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया, कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर, सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में, मैं बता रहा हूँ, 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में, और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एकमत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर, राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो, तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपके, आपको कहने का, विनंती करने का, ये सब चीज़ें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है, नहीं नहीं नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए, और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें बताऊं, कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था, वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया, और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया साहब, कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया, यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया, 13% 27%, ये है,
इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे, वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहां के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते, लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया, 5 मिनट से दो है। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश कर रही है। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा, और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर, 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए भाग गए नहीं सुने ये बोलते हैं, लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं, हम सब एक ही हैं और सभी मिलके ही देश को देश के भलाई में सोचते हैं, तरीके अलग अलग होंगे। सर राज्यसभा में इस जगह बैठते थे तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ू सर, आगे पढ़ो, अच्छा होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिया जा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए, और मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो
समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात दो चार रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है, और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनंती किया। छोटी मोटे चीजें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है, क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे प्रिय है, आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर। नहीं नहीं, दूर दूर तक चले गए साहब, ये तो समय। और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे साहब एक आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं, यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस, ही इज इल्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए। यू विल गेट द चांस सर, you are a very senior member, you will get the chance. Sir, I agree, we must skip the lunch at Microsoft's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. Khadge ji, main mananiya sadasyagan ko appeal karunga, aur lagatar maine baat kahi hai, aur gahan chintan aur manthan ke baad kahi hai, कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो आप। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस डिसरप्शन, आपने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। जयराम जी, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नो, यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस हैबिट, डोंट हैव दिस हैबिट। No, this is not a... When the Honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen you to can't him. Be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No, no. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Sir, every time... I have no desire to sit there. Even if you have... Listen to him. Even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly interrupting please, take your seat. तो माननीय खड़गे जी, दिस इज अ रेयर हिस्टोरिक ओकेजन वेयर आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ 75 इयर्स वी आर रिक्वायर्ड टू अनफोल्ड अ विजन फॉर नेक्स्ट 25-50 इयर्स। आई नो इट व्हाट ही नोज, एंड इन द एंटायर डिस्कोर्स यू आर फोकस्ड ऑन टू थिंग्स सर। I find it. The problem is, when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated. You have walked out of the house. The problem is, sir, this is wrong. This is wrong from the house. This is completely wrong. You are misleading the house. Sit
down, sit down, sit down. Sir, please explain your own statement. Yeah. 1 second. I request you to explain your own statement. Jairam, take it. Sir, please explain your own statement. Take it, take it. You are debating here, sir. No, no. You are not debating here. Sir, you are not debating here. Let him speak, sir. Sir, let him speak. Digvijay ji. अरे बैठो यार सर लेट हिम स्पीक दिग्विजय जी विद माय मॉडेस्ट अंडरस्टैंडिंग आई कैन टेल यू एंड आई एम अ ग्रेट जजमेंट ऑफ माई सेल्फ आई सेल्फ जज आई कैन टेल यू आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स आई एम सर्टनली स्टेक होल्डर दैट दिस अपर हाउस द हाउस ऑफ एल्डर्स conduct itself in a manner so that it earns respect of others. So we must exemplify our conduct by decorum discipline. One second. Sir, please don't cast aspersions to all of us. One second. Sir. Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Sir. Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. Sir. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. You don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater. Sir, a most important message to the world outside. Sir, that applies to all of us. Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the house, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. Sir, thank you, sir. Kya tolerance, sir. Achha, aapne thank you to kaha. Sir, Sabhapati ji, main zyada baat nahi karna chahta hu, kyunki ab tension mein aa raha mamla. तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है आज तक हमने सब कोशिश की लेकिन अब मैं समझता हूँ आप जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो ज़रूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे तो मैं आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से सर सभापति जी दुनिया बदल गई है इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी तो अमेरिकी मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा अमेरिकी संसद में 2% ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए और दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है इतना बढ़ 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है आपको मालूम है वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डाटा वो हकीकत थी 400 रुपये 500 रुपये शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की प्याज की तेल की दाल की क्या कीमत है वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए
इसीलिए जरा मुश्किल होगा उनका, लेकिन ये जरूरी है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूं कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड बात, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट खड़गे जी, आपका स्त्री नहीं है, आपका स्त्री नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए, G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन लेकिन शायद, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड संजी जी दिखता हूँ। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पेट्रियॉट हो, पेट्रियॉट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो, मैं खत्म करता हूँ। नहीं आज आप बहुत एजिटेटेड हो, आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया, आपने खड़गे जी आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा, नहीं नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल LOP हैज रिफ्लेक्टेड, आई वुड अगेन अपील टू एवरीवन, इट इज नॉट अ टाइम फॉर अस टू बी एजिटेटेड, वी हैव टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम दिस प्लेस हाउ आवर भारत विल मूव फॉर नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स, एंड देयरफॉर व्हेन वी मेक लाइट ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक G20 कांट बी रिड्यूस्ड टू G2 एंड देन लोटस। वन सेकेंड, द वर्ल्ड ऑर्डर हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, G20 हैज बीन सो इम्पैक्टफुल दैट ग्लोबल ऑर्डर हैज बीन डिफाइंड, इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज बींग ग्लोबली अप्लॉडेड। कहीं वो मत मानना, मैं इसलिए है, मैं जो वहां फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, G20 का मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया, अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, ब्राजील गया, लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना देश के बारे में, मैं पहले ही बोला देश के विषय में, देश का जब भी कोई ये आता है हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का, एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट, द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है आवर अटेनमेंट इन 6 years इज समथिंग विच कांट बी अटेंड इन 50 years।
लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.